हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइकोप्लाज्मा। तो ये एग्जैक्टली माइकोप्लाज्मा होता क्या है? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ कि माइकोप्लाज्मा क्या होता है। ओके, तो जैसे कि आप स्टूडेंट्स डायग्राम में देख पा रहे हैं कि माइकोप्लाज्मा क्या है, कि माइकोप्लाज्मा बेसिकली एक जीनस है बैक्टीरिया का। ओके, बैक्टीरिया का जीनस है, तो आप बोल सकते हैं एक टाइप का बैक्टीरिया है, बट एग्जैक्टली ये बैक्टीरिया नहीं है। यानी कि माइकोप्लाज्मा जो है बेसिकली एक बैक्टीरिया का जीनस है, जिसके चारों तरफ हमको सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ हमको यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन ही देखने को मिलती है। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं कि इस माइकोप्लाज्मा की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, तो वो थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। ओके स्टूडेंट्स, तीन लेयर्स में इसकी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है माइकोप्लाज्मा की। चलिए अब आगे देखते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टडी की गई थी कुछ प्लांट्स के डिसीज के नए ग्रुप की। ओके, एंड इसको जब स्टडी किया जा रहा था, तो एक प्लांट के पैथोलॉजी में किया जा रहा था, एंड इस ग्रुप को ही बेसिकली जो नया ग्रुप था प्लांट के डिसीज का, उस ग्रुप को बोला गया है माइकोप्लाज्मा। ओके स्टूडेंट्स, जनरली माइकोप्लाज्मा को और एक वर्ड बोला गया है, दैट इज PPLO, इसका फुल फॉर्म होता है, दैट इज ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, इनको ये जो ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन माइकोप्लाज्मा की वजह से एनिमल्स में एक डिसीज़ देखी गई, एंड उस डिसीज़ का नाम था बोविन ल्यूरो न्यूमोनिया। तो इसी नाम से इन माइकोप्लाज्मा को नेमिंग दी गई, एंड ये नाम था ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, दैट इज PPLO। ओके स्टूडेंट्स, एंड इन माइकोप्लाज्मा की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक ही इनको एक नेचुरल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है फॉर द एंटीबायोटिक्स। ओके, यानी कि ऐसे एंटीबायोटिक्स जो कि जनरली किसी भी ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ सेल वॉल को क्रिएट करती है। ओके, तो ऐसे एंटीबायोटिक्स जो कि सेल वॉल को क्रिएट कर सकती है, उस एंटीबायोटिक्स के लिए माइकोप्लाज्मा जो है वो रेजिस्टेंस शो करता है, एंड इस वजह से इस माइकोप्लाज्मा के चारों तरफ सेल वॉल नहीं बन पाती है। ओके स्टूडेंट्स, इस चीज को समझिए कि जनरली जब माइकोप्लाज्मा जो है उस एंटीबायोटिक को दूर भगाएगी या रेजिस्ट करेगी जो कि सेल वॉल का फॉर्मेशन कर सकती है, यानी कि सेल वॉल को बना सकती है, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे सेल वॉल हमको देखने को नहीं मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, ये सबसे बड़ा पॉइंट था माइकोप्लाज्मा के लिए। इसके अलावा ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं, दोनों टाइप के हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं एंड सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। ओके, ओवरऑल जो ये माइकोप्लाज्मा होते हैं वो फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक इंट्रोडक्शन था जस्ट माइकोप्लाज्मा का। आगे की वीडियो में हम देखेंगे इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। आई होप आपको ये माइकोप्लाज्मा क्या होता है क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।